नमस्ते दोस्तों, मैं सोमनाथ पगार आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सीटी सेल पे अगर अलॉटमेंट होता है, चाहे इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर का एडमिशन हो, डायरेक्ट सेकेंड ईयर का एडमिशन हो या किसी और कोर्स का एडमिशन हो, आपको सीट अलॉट होने के बाद सीट एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो सीट फ्रीज या नॉन फ्रीज करना पड़ता है। ये सब प्रोसीजर मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम ब्राउजर में टाइप करेंगे ctcell.ma.ct.org। अभी स्क्रीन पर आप सीटी सेल की वेबसाइट देख सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग यानी बीएससी का सीट अलॉटमेंट होने के बाद कैसे फ्रीज या नॉन फ्रीज करते हैं। तो क्लिक करते हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग इस नाम पर। आपको लॉगिन करना होगा, इसलिए क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन एप्लीकेशन आईडी एंटर करना होगा, पासवर्ड एंटर करना होगा। अभी कैप्चा लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ये कैंडिडेट का सब डिटेल्स आपके सामने आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट साइड पे बहुत सारे लिंक है, इसमें से आपको अभी क्लिक करना होगा अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस। इस नाम को हमने क्लिक किया। प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1 इज डिस्प्लेड। सीट एक्सेप्टेंस प्रोसेस ऑफ एक्सेप्टिंग टू द ऑफर्ड सीट बाय कैंडिडेट थ्रू his or her login as per allotment of cap round is started। सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये स्टेप्स है, ये फॉलो करने होंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे कैंडिडेट सेल PRC फॉर डाटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस और थर्ड स्टेप होगा सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट 1000 रुपीज़। मतलब ये सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको 1000 रुपीज़ पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। क्लिक हेयर टू कंप्लीट। ये देखिए कैंडिडेट सेल PRC फॉर सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म, मतलब एक कैंडिडेट को खुद एक्सेप्ट करना है ये सीट। ये कैंडिडेट का नाम आ गया, उसका अलॉटेड कॉलेज का नाम आ गया। अभी उसका कैंडिडेट का एप्लीकेशन आईडी, मोड ऑफ क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा, उसका सब डिटेल्स यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं। उसकी कैटेगरी, एडमिशन कैटेगरी, एनुअल इनकम, टाइप ऑफ कैंडिडेट, ये सब यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेन ग्रुप, सब ग्रुप, कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा के मार्क्स, एनरोलमेंट नंबर, प्रोविजनल अलॉटमेंट फॉर कैप राउंड 1, मतलब आपको जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, उस ब्रांच का नाम है, चॉइस कोड अलॉटेड है, सीट टाइप अलॉटेड है, प्रेफरेंस नंबर कौन सा है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर वेरीफाई डाटा एंड डॉक्यूमेंट, मतलब ये डाटा आपको वेरीफाई करना है, टिक करना है। वेरीफाई कैटेगरी OBC करेक्ट है। वेरीफाई SSC मैथमेटिक्स मार्क्स 94 करेक्ट है। वेरीफाई SSC साइंस मार्क्स 97 करेक्ट है। वेरीफाई SSC इंग्लिश मार्क्स 69 करेक्ट है। वेरीफाई SSC एग्रीगेट मार्क्स 452 करेक्ट है। वेरीफाई डिप्लोमा मार्क्स 1320 करेक्ट है। वेरीफाई जेंडर मेल करेक्ट है। वेरीफाइड डिप्लोमा कोर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करेक्ट है। ये सब फील्ड हमने टिक किए क्योंकि ये सब करेक्ट है। अगर करेक्ट नहीं है तो नॉन करेक्ट आप कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वेरीफाई बाय कैंडिडेट्स, मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं ये सब आपको यहाँ पर टिक करने हैं। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट 10th और SSC और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वेरीफाइड। Statement of marks obtained at the diploma examination for each attempt in final year semester verified. Certificate of the Indian nationality of the candidate verified. Domicile certificate of candidate indicating that he or she is domiciled in the state of Maharashtra verified. Caste certificate stating that the caste is recognized under backward class category in the state of Maharashtra verified. Caste or tribe validity certificate issued by कास्ट और ट्राइब सर्टिफिकेट स्क्रूटिनी कमिटी वेरीफाइड। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट वैलिड अप टू 31 मार्च 2021 वेरीफाइड। मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं ये बराबर है क्या, ये सब आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। और ये सब वेरीफाई करने के बाद, टिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ऐसी 20.mahsati.org.in सेज आर यू श्योर ऑल have verified and checked all information and document are correct and you want to proceed to next page. मतलब आपने ये सब इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, चेक किए, अगर आप श्योर है तो आप नेक्स्ट पेज पे प्रोसीड करने के लिए ओके पर क्लिक कर सकते हैं. हम ओके को क्लिक कर रहे हैं. अपडेट शीट, एक्सेप्टेंस स्टेटस, फ्रीज और नॉन फ्रीज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस. अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉटेड बट सेल फ्रीज बाय कैंडिडेट. फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है candidates who have been allotted seat other than first preference given by the candidate, and if the candidate is satisfied with such allotment and do not wish to participate in further cap rounds, such candidate can freeze the allotted offered seat through candidate's login. अगर candidate को other than first option अगर allotted है, अगर वो satisfied है तो वो अपने login में जाकर freeze कर सकता है. Once the candidate frees the allotted seat, such candidate verification of documents and payment of seat acceptance fee from login. Thereafter, such candidate shall report to the allotted institute and seek admission on the allotted seat. उसके बाद में ये seat freeze करके ऐसे candidate अपने allotted institute में जाके admission कर सकता है. Candidate shall pay the seat acceptance fee through online mode for the purpose of accepting the allotted seat. कैंडिडेट ऑनलाइन मोड थ्रू सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर सकता है. लास्ट डेट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ अलॉटेड सीट इज 16 जनवरी. लास्ट डेट फॉर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट इज 16 जनवरी. मतलब 16 जनवरी तक कैंडिडेट ये सब कर सकता है. स्टेटस ऑफ प्रोविजनल अलॉटेड डिटेल्स फॉर कैप राउंड 1, इंस्टीट्यूट अलॉटेड, कोर्स अलॉटेड, चॉइस कोड अलॉटेड, सीट टाइप अलॉटेड, प्रेफरेंस नंबर अलॉटेड, ये सब डाटा आप चेक कर सकते हैं. सीट एक्सेप्टेंस डिटेल्स, सीट एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन डिटेल्स, अभी तो ये नॉन कंफर्म है. कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, फ्रीज या नॉन फ्रीज. अगर आपको जो भी सीट अलॉट हुआ है, जो भी प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, अगर आप सेटिस्फाइड है तो फ्रीज कर सकते हैं. अगर आपको अलॉटेड सीट, अलॉटेड प्रेफरेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं है, आप बेटरमेंट लेना चाहते हैं, अगले राउंड में फिर ऑप्शन भर के अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप बेटरमेंट कर सकते हैं. अब हम यहाँ पर बेटरमेंट का ऑप्शन चूज करने वाले हैं. अब हम बेटरमेंट चॉइस कर रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट राउंड में ऑप्शन फॉर्म भर सकें. बेटरमेंट के लिए अभी ये सिलेक्ट किया. गेट ओटीपी यहाँ पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा. ये क्लिक कर रहे हैं गेट ओटीपी पर. वेट फॉर अ व्हाइल आफ्टर क्लिक ऑन गेट ओटीपी बटन टू रिसीव ओटीपी. कुछ देर तक आप वेट कीजिए. एंटर ओटीपी विच इज रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया है उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है. ये हमने ओटीपी एंटर किया. बेटरमेंट का ऑप्शन हम सिलेक्ट कर रहे हैं. अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, इस टैब को अभी क्लिक करेंगे. आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू नेक्स्ट एज सिलेक्ट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस एज बेटरमेंट और नॉन फ्रीज. मतलब आप श्योर हो, नॉन फ्रीज करना चाहते हो, बेटरमेंट का चांस लेना चाहते हो, तो अभी हम ओके पर क्लिक कर रहे हैं. प्लीज कंप्लीट योर पेमेंट टू टेक प्रिंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म. आपको सीट एक्सेप्टेंस फॉर्म की प्रिंट लेने के लिए आपको पेमेंट करना होगा. सीट एक्सेप्टेंस ऑनलाइन पेमेंट फॉर स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल. अभी देखिए एप्लीकेशन आईडी, फुल नेम, पेमेंट स्टेटस, अमाउंट, ये सब आप चेक कर लीजिए. अभी हम क्लिक करेंगे पे नाउ पर. देखिए कैंडिडेट का नाम आ गया, वो फीस आ गई. यहाँ पर आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई और क्यूआर से को पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वैलेट से पेमेंट कर सकते हैं. किसी भी ऑप्शन से आप, जो आपको सूटेबल हो, उस ऑप्शन से आप पेमेंट कर सकते हैं. देखिए आपका पेमेंट हो गया. सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस की आप प्रिंट ले सकते हैं. तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको सीटी सेल की वेबसाइट पर लॉगिन करके आपको जो अलॉटेड सीट है उसको कैसे फ्रीज, नॉन फ्रीज करें, उसको कैसे पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद प्रिंट लेके आपके अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर कैसे एडमिशन लें, इस सब के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है, जानकारी दी है. आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप सबको फलदायी रहेगा, यूजफुल रहेगा. ये वीडियो सीटी सेल थ्रू जो भी एडमिशन होते हैं, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन होते हैं, उन सब लड़कों के लिए यूजफुल रहेगा. ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो देख के लाइक शेयर करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए. धन्यवाद.